नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मानस क्लिनिक टैगोर नगर लुधियाने से आप सबका यूट्यूब राही स्वागत करता हूं। सो हेलो एवरीवन। सो जो आज का हमारा टॉपिक है, ना तो कभी इस टॉपिक के बारे में किसी ने चर्चा की है, ना कभी सोचा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक इसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, वो है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय केयर गिवर्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स। मतलब कि केयर गिवर्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट को जो समस्याएं होती हैं, मैं उसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। केयर गिवर्स इन केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स वो लोग होते हैं जो कि मानसिक रोग पीड़ित लोगों का ख्याल रखते हैं, उनके साथ पूरा दिन रहते हैं और उनको दवाइयाँ देते हैं। उनमें भी बहुत सी समस्याएं देखी गई हैं, जैसे कि उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन हो जाता है या उनको गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है, उनको छोटी सी छोटी क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसके अलावा लोगों में सैडनेस की परेशानी देखी जाती है, कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो कुछ एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं जिसके कारण उन लोगों में इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा लोगों में थकावट या फटीकेबिलिटी की संभावना भी देखी जाती है, स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से इनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसके कारण इनमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और कुछ लोगों में स्ट्रेस के कारण ओबेसिटी की संभावना भी देखी जाती है, और शारीरिक समस्या भी इन लोगों में होती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या स्ट्रोक। तो मोस्टली केयर गिवर्स होते हैं वो फीमेल्स होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, और इन सभी में ये लक्षण पाए जाते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपस में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।